वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल ऑल इंडिया फुटबॉल। तो हम आज बात करने वाले हैं रिगार्डिंग AFC वुमेन्स एशियन कप 2022, जहां पे इंडिया वर्सेस ईरान के मैच के बारे में। ये काफ़ी रोमांच भरा मैच था, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। फॉर द फर्स्ट 20 मिनट्स हमें ये दिखने को मिला था कि ईरान की टीम काफ़ी हावी हो रही थी हमारे पूरे इंडियन टीम के ऊपर। ईरान के सेंटर फॉरवर्ड झांडी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला था। उनका काफ़ी बेहतरीन रन्स, इवन शी वॉज कम्प्लीटली सपोर्टिंग हर टीम। बट आफ्टर 20 मिनट्स इंडिया ने अपना गेम को फिर से स्टार्ट कर दिया था। एस्पेशियली मनीषा कल्याण वॉज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द ईरान्स डिफेंस। एंड हमें ये भी देखने को मिला था कि काफ़ी चारे चांसेस भी बने थे फॉर इंडियन टीम। एंड देन द फर्स्ट हाफ एंड्स। शुरुआत के सेकेंड हाफ में हमें यह दिखने को मिला था कि इंडिया अपने बोथ लेफ्ट फ्लैंक एलोंग विथ राइट फ्लैंक, दोनों फ्लैंक से ही इंडिया का अटैक बनता हुआ हम लोग को दिख रहा था। एस्पेशियली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दंगमाई ग्रेस, पूरा टीम का पल्ला और भारी लगने लगा था। दंगमाई ग्रेस के आते ही हमें यह भी देखने को मिला था कितना अच्छा बेहतरीन चांसेस हम लोग को देखने को मिला था। पर तभी आए ईरान के गोलकीपर, उनका कमाल का परफॉर्मेंस, कमाल का सेव देखने को मिला था। इवन हमें यह भी देखने को मिला था कि ईरान का जो राइट बैक है उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था थ्रू आउट द मैच। अगर हम आज मैच की बात करें तो कुछ मेजर प्लेयर्स थे जिनके वजह से इंडिया टीम का पल्ला बहुत भारी नज़र आ रहा था। उनका नाम है मनीषा कल्याण, दांगमाई ग्रेस, ऑल्सो अंजू तमांग। पूरा टीम को वो बेहतरीन तरीके से मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज करके रखे थे। इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि इंडिया कुड हैव वोन द मैच बट स्लिप्ड 2 पॉइंट्स। एनी हाउ इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द कॉम्पिटिशन बाय आवर प्लेयर्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप सपोर्टिंग।